खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। छत्तीसगढ़ में जैविक खाद उत्पादन में कृषकों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रशिक्षण, अजोला बनाए के तकनीकी जानकारी, मिर्चा के प्रीति किस्म और बरसीन के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा नवा बदलाव आवत रही थे और ये बदलाव मन ला किसान मन है अपना के फायदा उठा सकते हैं। बाजार में आए जैविक खाद के गुणवत्ता और मूल्य में असंतुलन के कारण छत्तीसगढ़ के किसान मन ला जैविक खाद के उत्पादन पर आत्मनिर्भर करे के अभियान चलाए जाते है। एकर अंतर्गत जैविक खाद के उत्पादन पर किसान मन ला अपन खेत में ही प्रशिक्षित करे जाही। समेकित पोषण प्रबंधन द्वारा चलाए ये योजना के अंतर्गत किसान मन ला खाद उर्वरक आदि खरीदे पर पंजीकृत प्रतिष्ठान के चयन करे और क्रय मूल्य आपसी मूल भाव से निर्धारित करे के अधिकार दिए जाही। पात्रता के अनुसार किसान मन ला बैंक से सहायता, बीज के उचित जांच और भंडारण हेतु के सहायता ले किसान मन अच्छा उत्पादन करके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकते। बेहतर तकनीक फसल जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन खेती में मन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकते। हमर राज्य के पशुपालन करैया किसान भाई मन पर पशु के स्वास्थ्य और दूध वर्धक चारा अजोला बनाए के जानकारी देवत हन। अजोला बर सबले पहली 1 फीट गड्ढा खोद लेना चाहिए या सीमेंट से बनाना चाहिए। ये गड्ढा में पानी भर देना चाहिए जिन्हा ऊपरी सतह ले 4 इंच छूटे रहना चाहिए। ओखर बाद काली मिट्टी और गोबर खाद एक एक धमेला डालना चाहिए और 30 ग्राम सुपर फास्फेट दवाला डालना चाहिए। एकर बाद ओमा अजोला घास डालना चाहिए। ये मिश्रण ला 2-2 दिन में हिलाते रहना चाहिए और पानी के कम हो ले उला भरते रहना चाहिए। ए प्रकार ले अजोला 15-16 दिन में तैयार हो जाते। एला पशु के चारा मा मिला के खिलाना चाहिए। एकर ले पशु के स्वास्थ्य मजबूत होते और दूध ज्यादा मिलते। अब खेती से संबंधित खास खबर। उर्वरक के भंडारण व्यवस्था सुनिश्चित करे के उद्देश्य ले नाबार्ड के सहायता से 700 गोदाम निर्माण करे जाही, जेकर पर 52,50,00,000 रुपया के प्रावधान हवे। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये हैरो का इसलिए उपयोग किया जाता है जिस खेत में आज के डेट में जो हार्वेस्टर से जो कटिंग होता है उसमें नीचे का जो जड़ आता है उसको एकदम बारीक करके जिसको ग्रीन खाद के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और जिस खेत में जड़ की मात्रा ज्यादा होते हैं उस खेत में इसको ज्यादा उपयोग किया जाता हैरो का। इसमें 20,000 रुपीज का गवर्नमेंट सब्सिडी है। इसका कीमत है 55,000 रुपीज। नई किस्में नवा नवा किस्म अपनाए ले नवा नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। साग भाजी के खेती करे या किसान भाई मन मिर्चा के प्रीति अपना के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते। ये प्रकार के मिर्चा पर फसल लगाए के समय गर्म और तोड़े के समय नम जलवायु उपयुक्त रही थे। क्षारीय भूमि ला छोड़ के दुमट बलुई आदि कोनो भी प्रकार के मिट्टी में ये मिर्चा तैयार हो जाते। खरपतवार रहित भूमि उचित जोताई और सिंचाई व्यवस्था में ये फसल लगभग 3-4 महीना में तैयार हो जाते। मिर्चा के ये किस्म दिखे में हल्का हरा और कम तीखा रही थे। एकर पौधा छोटे और फल लंबा रही थे। ये मिर्चा के पैदावार 18-20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर रही थे। तो हमर किसान भाई मन मिर्चा के ये किस्म ला अपना के अपन आर्थिक स्थिति ला मजबूत कर सकते। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करते तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलते। आजकल हमर राज्य के किसान भाई मन अनाज और साग भाजी के अलावा पशु मन के चारा भी लगाते और पशुपालक किसान ला बेच के मुनाफा लेवत है। ऐसन ही रायपुर जिला के किसान शिव शंकर भाई हा अपन 3 एकड़ खेत में पशु चारा बरसिंग के खेती ला बने उन्नत ढंग ले करत है। जानकारी देवत ओहर बताते कि ओखर ये बरसिन के बोए निंदाई सिंचाई और खाद पानी में ओला करीब 15-20,000 रुपया के खर्चा आए है। अब ओहर बताते कि ओखर ये फसल ला पशुशाला तक पहुंचा के लगभग 50-60,000 रुपया तक के मुनाफा कमा लेते। ओखर ये उन्नत तकनीक ला देख के दूसर किसान मन घलो प्रेरणा ले सकते और मुनाफा कमा सकते। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार।
नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आव देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान फल और सब्जी मन के का भाव है। आज बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1150 रुपया और अधिकतम भाव 1501 रुपया प्रति क्विंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1200 रुपया और अधिकतम भाव 1445 रुपया प्रति क्विंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति क्विंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति क्विंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में लाल भाजी के बने आवक देखे गए है। एकर व्यापार करिया व्यापारी मन बताते कि थोक में एकर भाव 18 ले 20 रुपया है, उन्हें चिल्हर में 25 ले 30 रुपया किलो में बिकत हावे। अब बारी है मंडी समीक्षा की। बालोद कृषि उपज मंडी समिति में धान IR64 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति क्विंटल। धान अन्य ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति क्विंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति क्विंटल। नवापारा कृषि उपज मंडी में धान संभा मासूरी ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1370 रुपया प्रति क्विंटल। धान 1001 ला भाव मिले है 1215 रुपया ले 1309 रुपया प्रति क्विंटल। नगरी कृषि उपज मंडी में धान 1001 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति क्विंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति क्विंटल। धान मध्यम ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति क्विंटल। बागबाहरा कृषि उपज मंडी समिति में धान स्वर्ण मासूरी ला भाव मिले है 1009 रुपया ले 1370 रुपया प्रति क्विंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति क्विंटल। धान स्वर्ण मासूरी ला भाव मिले है 1095 रुपया ले 1395 रुपया प्रति क्विंटल। धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1150 रुपया ले 1395 रुपया प्रति क्विंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। मौसम में आर्द्रता 90% के आसपास रहने की संभावना है और आने वाले 4-5 दिनों में अधिकतम तापमान 32 से 33 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच रहने की संभावना है। तो इसको देखते हुए किसान भाइयों को मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि मौसम खुलेगा और आर्द्रता बढ़ी हुई है तो जिसके कारण बीमारियाँ लगने की संभावना है, इसलिए किसान भाई अपने खेतों की निगरानी रखें। और किसान भाइयों को ये सलाह है कि जिन किसान भाइयों ने धान की खेती लगाई हुई है उसमें नत्रजन का अंतिम मात्रा भी छिड़काव कर सकते हैं और इस तना छेदक बीमारी का प्रकोप देखने को कहीं कहीं पर आ रहा है तो किसान भाई उसकी भी निगरानी करें। नमस्कार। ए लो, और बताओ। बस ये क्या भैया जी, बस इतने सी रसायनिक खाद, किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई, आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ क्या करूँ? हाँ मैं ऐसे ही कर लिया। अच्छा मैं जा रहा हूँ। अच्छा जी जी। हाँ जी 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 किसे
से बात कर रहे थे इतना हंस-हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1855 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीक प्रशिक्षण का आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कार्यक्रम दिखाइए जम्मू किसान भाई मल्ला, जय जोहार। किसान भाइयों, जैसे कि आप मन जाना तो ये कार्यक्रम हमारे कृषि दर्शन, जेखर माध्यम से हमन आप मल्ला कृषि संबंधी नया नया फसल जानकारी देवत रहता। आज हमन आप मल्ला अदरक के आधुनिक और वैज्ञानिक खेती कौन तरीका ले करना चाहिए आवा जानकारी देता। छत्तीसगढ़ की भूमि में अदरक की अच्छी पैदावार ली जा सकती है। अदरक की खेती कई तरह की मृदाओं में की जा सकती है, लेकिन उचित जल निकास वाली दोमट या रेतीली दोमट भूमि इसकी खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। मांदा का निर्माण करना भी अदरक की खेती के लिए फायदेमंद होता है। मांदा निर्माण से पहले खेत की अच्छी तरह से जुताई करना चाहिए और मिट्टी के बड़े बड़े ढेलों को पाटा चलाकर तोड़ देना चाहिए। मांदा निर्माण को लेकर हमारे किसान भाइयों में जागरूकता बढ़ी है, क्योंकि वे इसके फायदे को महसूस करने लगे हैं। एक हेक्टेयर के लिए लगभग 20 से 25 क्विंटल रोग मुक्त बीज प्रकंदों की आवश्यकता होती है। इन बीजों को 4 से 5 सेंटीमीटर के टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाता है, जिसमें प्रत्येक टुकड़े का औसतन भार 25 से 30 ग्राम के लगभग होता है। और ये भी आवश्यक होता है कि उन बीजों में 2 आंखें अवश्य हों। अदरक को बोने की सही और वैज्ञानिक विधि का भी ज्ञान अदरक उत्पादक किसानों को होना चाहिए। कुछ बातें सरसरी तौर पर यहाँ बताई जा सकती हैं। सबसे पहले बीज कंदों को बोने से पहले 0.25% ईथेन, M45 और 22.1% के मिश्रित घोल में करीब 1 घंटे तक इसे डुबोए रखना चाहिए। फिर 1-2 दिन इसे छाए में सुखाया जाना चाहिए। इसके बाद इन्हें 4 सेंटीमीटर की गहराई में भूमि में दबा देना चाहिए। याद रहे, अदरक की खेती में पंक्तियों की आपसी दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर और पौधों की आपसी दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर रखा जाना चाहिए। अच्छी फसल के आवश्यक तत्व यही हैं। बुआई के तुरंत बाद ऊपर से घास फूस पत्तियों और गोबर की खाद से भली भांति इसे ढक देना चाहिए। ऐसा करने से मिट्टी के अंदर नमी बनाए रखना आसान होता है और अदरक के अंकुरण तेज धूप से भी बच सकते हैं। अदरक की नवीनतम और प्रचलित किस्में हैं सुप्रभा, सुरुचि और सुरभि। इन किस्मों की खेती हमारे राज्य में भली भांति दी जा सकती है। किसान भाइयों, अदरक के खेती में जल प्रबंधन के भी बड़ा महत्व है। सिंचाई कब कब और कतका मात्रा में करन आवा जानकारी लेता। अदरक की फसल में भूमि में बराबर नमी बनी होना जरूरी है। इसमें पहली सिंचाई बुआई के कुछ दिन बाद ही कर देना चाहिए और फिर पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए आवश्यकता अनुसार निश्चित अंतराल में सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई के लिए टपक पद्धति या ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग किया जाए तो परिणाम और भी बेहतर होते हैं, साथ ही जल की अपव्ययता पर भी रोक लगाई जा सकती है। अदरक वैसे तो गर्मतर जलवायु का पौधा होता है। अदरक के लिए ऐसे स्थान को सर्वोत्तम माना जा सकता है जहां नम वातावरण हो। फसल की वृद्धि काल में 50 से 60 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा हो और भूमि ऐसी हो कि पानी ठहरे ना और हल्की छाया बनी रहे,
पुराने बगीचों की भूमि या छायादार वृक्षों के नीचे की भूमि का उपयोग अदरक की खेती के लिए अच्छी तरह से किया जा सकता है। हमारे राज्य में भी अदरक की खेती के लिए मौसम और भूमि अनुकूल है। किसान भाइयों, अदरक के खेती में खाद प्रबंधन के भी बड़ा महत्व है। कौन से खाद ला कतका मात्रा में डालना है, आओ जानकारी लेते। अदरक की खेती के लिए कितनी खाद और उर्वरक होनी चाहिए, इसका पता लगाने के लिए पहले मृदा की जांच की जानी चाहिए। फिर भी यदि मृदा की जांच न हो पाई हो तो उस स्थिति में कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार प्रति हेक्टेयर के मान से गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद 20 से 25 टन, नाइट्रोजन 100 किलोग्राम, फास्फोरस 75 किलोग्राम और पोटाश 100 किलोग्राम दिया जाना चाहिए। इसे देने का तरीका कुछ यूं होना चाहिए कि गोबर की खाद या कंपोस्ट को भूमि की तैयारी से पहले खेत में समान रूप से डालकर मिट्टी पलटाने वाले हल से जुताई करें। फास्फोरस, पोटाश और नाइट्रोजन की आधी मात्रा को खेत में बीज प्रकंद लगाते समय डालना चाहिए और शेष आधे नाइट्रोजन को बुवाई के 50 से 60 दिनों के बाद खेत में डालकर मिट्टी चढ़ा देना चाहिए। किसान भाई हो, अदरक के खेती में कुछ रोग होए के भी संभावना होते, ये रोग का हरे, एकर से कैसे बचन, कौन कौन से दवा के कतका मात्रा में छिड़काव करन, आओ जानकारी लेते। अदरक की फसल को प्रभावित करने वाले रोग इस प्रकार से हैं: मृदु विगलन या प्रकंद विगलन। ये रोग मुख्यतः पिथियम एफेनिडर्मेटम नामक फफूंदी के कारण होता है। इस रोग के प्रकोप के कारण नीचे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और बाद में पूरा पौधा पीला पड़कर मुरझा जाता है। भूमि के समीप का भाग पनीला और कोमल हो जाता है। पौधों को खींचने पर वह प्रकंद से जुड़े स्थान से सुगमता से टूट जाते हैं। बाद में पूरा प्रकंद सड़ जाता है, जिसे प्रकंद विगलन के नाम से जाना जाता है। इस रोग के बीजाणु भूमि में ही विद्यमान होते हैं और बीज के रूप में प्रयुक्त प्रकंद भी बीजाणु अपने साथ ही लाते हैं। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि बीजों को उपचारित किया जाए। इस रोग से रोकथाम के लिए भूमि में चेस्टनट कंपाउंड के 0.6% घोल को आधा लीटर प्रति पौधे की दर से देते हैं और बीज प्रकंदों को 0.25% सांद्रता को घुलनशील सेरेसन में बुवाई के पहले 30 मिनट तक या 0.3% विटीग्राम से 1 घंटे तक उपचारित किया जाना चाहिए। लीफ स्पॉट या पत्तियों के धब्बे नामक रोग फिलोस्टिक्टा जिंजिबेरी नामक फफूंदी के कारण होता है। इस रोग के कुप्रभाव इस प्रकार से दिखाई देते हैं: पत्तियों पर अंडाकार या अनियमित आकार के धब्बे पड़ जाते हैं, जो बाद में आपस में मिल जाते हैं। इस रोग से पौधों की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और परिणाम स्वरूप प्रकंदों की उपज भी कम मिलती है। इस रोग से अपनी अदरक की फसल को बचाए रखने के लिए बोर्डो मिश्रण का उपयोग 5:5:50 के अनुपात में किया जाना चाहिए या किसी भी ताम्रयुक्त रसायन का 0.3% का घोल बनाकर छिड़काव करके भी इस रोग से रोकथाम की जा सकती है। अदरक की फसल को सूत्रकृमि से बचाए रखने के लिए बुवाई के पहले मिट्टी में थीमेट 10G यानी 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर दवा का अवश्य मिलाया जाना कृषि वैज्ञानिकों और जानकारों द्वारा अनुशंसित है। अदरक के खेत को खरपतवार रहित रखने के लिए और मिट्टी को भुरभुरी बनाए रखने के लिए आवश्यकतानुसार निदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। अदरक की फसल को उसकी संपूर्ण अवधि में 2 से 3 बार निदाई गुड़ाई किया जाना पर्याप्त होता है। स्मरण रहे कि प्रत्येक गुड़ाई के पश्चात इसमें मिट्टी अवश्य चढ़ाई जानी चाहिए। नाचत हावय मंजूर कैसे झलमल झलमल, नाचत हावय मंजूर कैसे झलमल झलमल, हाय रे हाय रे भी कटे जंगल। नाचत हावय मंजूर कैसे झलमल झलमल, नाचत
गावे कोयली हरता जंगल छोड़ नहीं भावे भी कटे जंगल नाचत हावे मंजूर कैसे झलमल झलमल नाचत हावे मंजूर कैसे झलमल झलमल के ताली झुमरे मोहा फूल के ताली झुमरे सलपी हा मन भावे रे वी काटे जंगल नाचत हावे मंजूर कैसे झलमल झलमल नाचत हावे मंजूर कैसे झलमल झलमल किसान भाइयों अब होवा थे जाए के बेरा अब आइए अंक मा नया विषय के साथ यही समय में फिर उपस्थित होबो तब तक बर दो विदा जय जवाहर।